हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज सीधी मांग किए हैं तो गाइज आप लोग से बात करनी थी, हमको सोचा कि बात कर ले कुछ। रंजना का हो गई है तबीयत खराब, तो उसके लिए लोग हमी को जिम्मेवार ठहरा रहा है, बोल रहा है कि आंटी जी की वजह से रंजना का तबीयत खराब हुआ है, आंटी जी के चलते ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि जा रहे हैं गांव, अब वहीं पे हम आराम से रहेंगे और हमारे लिए किसी को उठना नहीं पड़ेगा सुबह में चाय बनाने और काम करने। तो अब अपने मन से उठेगा लो, जब मन करेगा तब, जब मन करेगा तब सोएगा लो। तो अभी हम रंजना को बुलाते हैं थोड़े देर में और आप लोग से बात कराते हैं कि क्या हुआ है। हे गाइस, तो अभी सुबह सुबह उठे हैं ये हमारे सुपुत्र जी, और उठ के ब्रश रस कर लिए हैं। तो सुबह कितना बज रहा है बाबू, हमारा टाइम कितना हुआ? दोपहर के 2:35। तो सुबह सुबह से उठे हैं, 2:35 हो चुका है। नहीं गाइस, तबीयत खराब नहीं, अभी गेम खेल रहा था ये। तो इनको बोले हैं थोड़ा कि खाना वाना खा लीजिए, शरीर पर ध्यान दीजिए, और आप लोग इतना कमेंट कीजिए इनको कि मजबूर हो जाए। इधर हम लोग का सास पतों का काम चल रहा था कुछ, तो मनीषा के चैनल पर मिलेगा, देखिएगा लो। और क्या है कि यहाँ अब आया है खाना और खाने जा रहे हैं, ये हाथ धो लिया है। तो तुम ला दिया जाकर नारियल पानी, बोलो बोलो बोलो। नहीं लाए। क्यों? इसको खांसी हो गई। तू चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ। चलेंगे। तो हमको तो तुम विलेन बना दिया है वीडियो में। विलेन नहीं बनाया मुझे, आप जो बोली वही तो डालेंगे। सब लोग बोल रहा है कि रंजना से आंटी जी खटवा रही हैं, रंजना से पूरा काम करवा रही हैं। अरे रंजना को घर का याद आता है, उसका सबसे ज्यादा जिम्मेवार आंटी जी हैं, उसका तबीयत खराब से। नहीं नहीं, और आंटी जी कुछ काम नहीं करती हैं, ज्यादा बनती हैं, डॉक्टर से दिखा नहीं रही हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि मेरा काम को नहीं करना है, हम घर जा रहे हैं। अब तुम अपने वाइफ को लेके ध्यान देना, दिखाना सुनाना, भैया अपने वाइफ को देखेगा और हम चले घर। अच्छा, अब मेरा हमको हमको ना कोई चाय बना के देगा ना कोई खाना निकाल के देगा, हम तो खुद अपने ठीक है, अपने आप को हम एकदम स्ट्रांग रखे हैं। और हमको कुछ होता भी है तो झेलते रहते हैं, बाद में सीरियस हो जाते हैं तब बताते हैं। तो अभी चलते हैं रंजना के पास, थोड़ा इससे भी पूछ लेते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है, हम है कि कौन है। क्या मेरे पर आरोप लग रहा है, तुम्हारा कमेंट पूरा भरल है भाई, तुम देख भी नहीं रहे हैं। हम आपको टाइम मिल रहा है, केवल हम ही पर एकदम भीड़ा है लोग, पब्लिक ना ऐसा कुछ नहीं। हमको भाई एक तो मनीषा को तो इतना चहिता लोग है, उसको तो कुछ लोग नहीं बोलेगा, हम ही पर सब भीड़ गया है कि आंटी जी के चलते हो रहा है, आंटी जी बीमार डाल दी है खटवा के। आपका खटवा सब तो आता ही है काम करने वाला लोग। अब हम जा रहे हैं, हम ही एगो है तो इसमें कांटा का करेंगे हम गुलाब के फूल में। तो ले चलते हैं आप लोगों को, थोड़ा रंजना से बात करवा देते हैं। तो रंजना, हाँ बोलिए, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है, अभी तो सुबह से ठीक है। ज्यादा तबीयत खराब हो गया है? नहीं, हल्का सा कमजोरी हुआ है, कमजोरी चक्कर आ रहा है इसको। तो तुमको हम कितना बार बोले हैं कि दूध रोज पिया करो? दूध तो पीते हैं लेकिन एक दो दिन से ऐसा हुआ है कि नहीं मन कर रहा पीने का। तो खाना पीना भी ज्यादा बनाना पड़ रहा है ना? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बनाना पड़ रहा। ये बताओ कि हमारा कहाँ से आ रहा है नाम कि आंटी जी की वजह से रंजना बीमार हुई है? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो हम लोग के हाथ में थोड़ी है, बीमार तो इंसान। अच्छा सॉरी, हम और हमारा काम में वो खाली करती है, थोड़ा चाय बना देती है और खाना पीना खिला देती है। तो अब हम सोच रहे हैं कि वो भी हम खुद कर लेंगे। नहीं, तो नहीं, इतना थोड़ी है। अब पूरा ऑडियंस हम पर भीड़ा हुआ है, बोल रहा है कि आंटी जी की वजह से तबीयत खराब हुआ है तुम्हारा। नहीं तो ये गलत बोल रहे हैं लोग, जो लोग भी बोल रहे हैं ऐसा मत बोलिए। हमारे घर में ऑलरेडी उतना कुछ काम नहीं होता है, अब बाकी जो मेड आती है वो कर चले जाती है,
बस खाना बनाना रहता है तो वो तो हम और दीदी मिलकर बना लेते हैं, तो उतना कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो साड़ी जो दिया है अच्छा लगा? हाँ। कैसा लगा साड़ी? बहुत अच्छा लगा, और उसको बहुत जल्द हम पहनेंगे भी, सोच रहे बहुत जल्द का कल ही पहने, लेकिन हैवी है उसका। देखा तुम अभी लेकर आए थे जो? दिखा दो। शादी वाला साड़ी दिए हैं भाभी को, जो हम शादी करके हमको आया था लोग, वो साड़ी। और रंजना को दिए हैं पंकज भैया के शादी में खरीदाया था 2014 में। एक ये दिया है देखो, ब्लैक, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। काफी हैवी है, तुम खोल के बना लेना इसको। तो अच्छा साड़ी पसंद आया तो तुमको कल भी बोले हैं कि इसमें मेरा पूरा साड़ी है जो तुमको पहनना है। बोल रही थी कि ब्लाउज नहीं होगा, तो ब्लाउज तो रेड कलर का रहेगा, ब्लैक रहेगा, चाहे ऐसी रहेगा तो चल जाएगा कोई साड़ी पे। इसका तो ब्लाउज है, तो पीला ब्लाउज मेरे पास है, उसमें है ही पीला ब्लाउज है, साइज नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो सिला जाएगा उसका। तो कभी कभी चाहे मान लो मार्केट जाना है चाहे कुछ, तो वो साड़ी ब्लैक वाला पहन सकती हो, वो साड़ी कभी कभी पहने शादी होती है। कहाँ मिलता है रजाई का कवर? मार्केट में मिलता है, कवर लग जाएगा। तो आप लोग सुन लिए, यहाँ पूजा के गाउन धोवा के रखे हैं ऊपर में, डूबी आएगी तो अपना ले जाएगी। और वहाँ पूजा का ही पीला साड़ी है नीचे। देखिए यहाँ पे इनका सर गाइस, तो ले चल रहा है मनीषा के पास, थोड़ा उसको भी मिला देते हैं। मनीषा इधर आ, इधर आ जा, इधर आ रही है, जला रही है उधर कुछ। तो यहाँ देखिए मनीषा अपने पतिदेव के लिए बना रही है। तो पूरा ऑडियंस बोल रहा है कि रंजना का तबीयत खराब के आंटी जी भागी है। क्यों भागी? हम काम करवा रहे हैं तुम लोग से, दोनों बहू लोग से। अच्छा, रंजना का तबीयत खराब ठीक है अभी? हमारा तबीयत ठीक है। तो ये बताओ कि कितना काम करना पड़ रहा है इस घर में? आज तो हम आज 9 बजे उठी है सो के, आज क्योंकि वो बोल रहे ना रात में गाड़ी चलाएंगे, चलना है तो रात में ही निकलने के लिए बोल रहे थे। तो आज ये उठी है लेट से गाइस, हम उठे हैं तो हम सब्जी चावल वगैरह बना दिए हैं, और रोटी बोले हैं तो ये रोटी बना दी है, तो सब बन रहा है खाना पीना अच्छा है, सब मिलजुल के सब लोग कर रहे हैं। लेकिन तबीयत का किसी का हाथ में नहीं है, कभी किसी का बुखार जुकाम सर्दी खांसी हो जाता है, सब चलते रह रहा है, ये सब होते रहता है शरीर में। तो तुमको कैसा लगा मेरा साड़ी लेकर? हमको बहुत अच्छा लगा साड़ी, हमको सबसे अच्छा इसलिए और लग रहा है कि मम्मी की शादी का साड़ी है, तो इसलिए हमको और ज्यादा अच्छा लगा ये। देखो फिल्म में सुनिए ना कि सास की सास दी थी हार, नौलखा हार, वो दी अपनी बहू को और बहू दी अपनी बहू को। तो मेरे तो कुछ ऐसा नहीं है सीन, लेकिन हम तुमको दिया, तुम अच्छे से पहने संभाल कर रखना उसको, फिर हम अपने बहू को तुम अपने बहू को दे देना। देखो ये मम्मी दी है, ये है मेरा परिवार, हंसता खेलता बना ला, वीडियो कराना देते हैं ही। तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा। और रंजना ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बुखार उखार है, वो ठीक हो जाएगा, घर से अभी आई है तो यहाँ का पानी वहाँ का पानी सब लगता है, इसके वजह से तबीयत ख़राब है। और ऐसा कुछ होगा तो एक मिनट में जाकर डॉक्टर से दिखाएंगे हम किसी के भरोसे नहीं रहते हैं कि प्रिंस ले जाए, सचिन ले जाए, कोई ले जाए, हम अभी हैं तुरंत ले जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर और खूब इंजॉय कीजिए, है कि नहीं।